हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मटन बन रहा है, मटन करी। यहाँ पे मटन को अच्छे से मैरिनेट करके रख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे मसाला भून रहा है। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सरसों का ऑयल मिला के अच्छे से रख दिए हैं। यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई करके रखेंगे, गोल्डन ब्राउन करके ऊपर से डालेंगे। हम लोग का मटन करी में आलू डालता है, तो आलू यहाँ पे अच्छे से फ्राई करके रखे हैं। यहाँ पे मटन हम लोग अच्छे से कुक कर रहे हैं, भून रहे हैं। अभी मटन में पानी डाल दिया हूँ पकने के लिए। अच्छे से गरम पानी देना चाहिए ताकि वो जो कच्चा वाला स्मेल नहीं आना चाहिए। बस बस बस, और नहीं चाहिए। अभी धीमी आंच में छोड़ देंगे अच्छे से कुक होने के लिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मटन बन के रेडी हो गया है। कितना अच्छे से कलर आया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला और यहाँ पे रखा हुआ है बरिस्ता, जो प्याज को तल के रखे थे, और धनिया के पत्ते। अभी हो गया है मटन। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया हूँ। अब डाल रहे हैं ऊपर से गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसालों की। अब डाल देंगे उसमें वो तला हुआ प्याज। धनिया की पत्तियां। अभी थोड़ी देर बंद करके रख लेंगे ढक के 5 मिनट के लिए, ताकि वो उसमें जो मसाला सारा अंदर चला जाए।